कान्हा सयूरी के प्यार में पड़ता जा रहा है, उनकी नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही है। माँ को कहीं पे ऐसा लग रहा है कि सयूरी कान्हा के लिए ठीक नहीं है, अपशगुनी है। डर लगता है तो अपने बच्चे के लिए डरती है। स्टोरी थोड़ी आगे इस तरह से बढ़ रही है कि कान्हा सयूरी के प्यार में पड़ता जा रहा है, उनकी नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही है। कहीं पे हमें ये एक्सपेक्टेशंस था कि ये एक समझौते की शादी है तो ये ज़्यादा टिकने वाली है नहीं, और माँ को कहीं पे ऐसा लग रहा है कि सयूरी कान्हा के लिए ठीक नहीं है, अपशगुनी है। जब भी वो उसके साथ होती है कुछ ना कुछ बुराई होता है, तो बस माँ अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है। और सरोज के लिए हमेशा कान्हा के लिए अंजलि ही वो लड़की थी जो जिसके साथ कान्हा ने सेटल होना चाहिए था। तो बस कहीं पे वही एक दुख है कि दिल में जो है वो नहीं हो रहा है, सो उस बात की तकलीफ हो रही है बस। कहीं ना कहीं थोड़ा कंसर्न भी है माँ को लेकर कि उसकी तबीयत कहीं ना कहीं ख़राब होती नज़र आ रही है उसे, या उसे डर लगता है कि कहीं इस सब टेंशन की वजह से वो सफ़र ना हो, उसकी तबीयत ख़राब ना हो, क्योंकि उसे एंजाइटी होती है, उसे डर लगता है। तो अपने बच्चे के लिए डरती है, लगता है कि एक गलत लड़की उसके ज़िंदगी में आ गई है, घर में आ गई है, घर तोड़ ना दे कहीं, उसका घर जो उसने बनाया है वो कहीं टूट ना जाए, इसका डर है उसे। तो बस कुसुम उसे कंसोल करने की कोशिश करें कि कुछ ना कुछ तो करना होगा, लेकिन आप खुद को संभालिए क्योंकि आपकी तबीयत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आप ठीक रहोगे तो कुछ कर पाओगे। स्टोरी वाइज इट्स अ ब्यूटिफुल ट्रैक जहाँ पे एक जो दो लोग एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे, उन्हें इतनी तकलीफ होती थी एक दूसरे को देख के, वो एक किसी सिचुएशन की वजह से अनफॉर्चुनेटली शादी जैसे बंधन में बन जाते हैं, और धीरे 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 ह्यूमैनिटी से, दोस्ती से लेके प्यार तक आगे बढ़ रहे हैं। तो इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी लाइन विच इज़ गोइंग अहेड।